हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स को कंसल्ट किया था। अब हमें प्रिज्म को कंसल्ट करना है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को कंसल्ट किया था। वो न्यूमेरिकल्स कौन किस पे बेस्ड थे? लेंस मेकर्स फार्मूला पे बेस्ड थे, लेंस फार्मूला पे बेस्ड थे, ठीक है ना, और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड थे। इनको हमने कंसल्ट किया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिज्म, ठीक है। तो जो प्रिज्म है उसके बारे में हम देखें क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है? देखिए, प्रिज्म का मतलब क्या है? प्रिज्म जो है वो एक पिरामिडल शेप होती है, ठीक है ना, पिरामिड की शेप होती है, ठीक है। और इसमें ये एक ट्रांसपेरेंट शेप होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। और जिस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, जैसे ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऐसे लगी हुई है, तो इसके इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों कौन सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। समझ गए आप मेरी बात को? होमोजीनियस मीडियम है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रिज्म जो है वो एक ऐसा होमोजीनियस मीडियम है, एक ऐसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें दो विच इज मेड बाई टू और मोर देन टू, विच इज कवर्ड बाई टू और मोर देन टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसिस, ठीक है ना। एन होमोजीनस पिरामिडल शेप मीडियम विच इज कवर्ड बाय टू और मोर देन टू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर सर्फेसिस इज कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है ना। जो कि एक ऐसा होमोजीनस पिरामिड की शेप की स्ट्रक्चर जो कि टू और मोर देन टू इनसे ट्रांसपेरेंट जो सर्फेसिस होते हैं उनसे बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं और द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखो एंगल, ये जो पूरा प्रिज्म है ये तो थ्री डायमेंशन शेप है, तो ये तो आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन इस प्रिज्म का एक हमने एक सरफेस हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया जैसे ए बी सी, ठीक है, और ये यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, द एंगल, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल ए है ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे देखें, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में आपने देख लिया, अब आगे देखिए, जैसे कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे जो मीडियम है वो एन वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है, यहाँ वाले मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन टू ले लिया हमने, और यहाँ पे वापस से आ जाएगा एन वन, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि एन टू का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन वन से ज्यादा है भाई। अगर नॉर्मल हम देखें तो ये एयर है, ये क्या है? ग्लास। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए इस प्रिज्म को आपने वाटर में डिप कर दिया, तो ये वाटर, ये तो यहाँ पे तो वाटर है, यहाँ पे ग्लास है और ग्लास डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो आप देखिए हमारे पास में, जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास में नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए ये रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है रे ऑफ लाइट, और व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन ड्यू टू द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस एंड द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ हमने फिर से ले लिया ये, यहाँ हमने फिर से ले लिया ये नॉर्मल, और यहाँ पे भी आप देखिए, अब ये इस ग्लास से बाहर आ रही है, मींस डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होने के कारण से इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ से अगर हम देखें
ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमने ले लिया आई वन, और ये वाला जो एंगल है ये हमने ले लिया आई टू या फिर ई एंगल ऑफ एमरजेंस। ये आर वन है और ये हो गया आर टू, ये ओ ले लिया हमने। इसको आप थोड़ा आगे प्रोड्यूस कीजिए और इसको आप थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ डैश, यहाँ पे एक अक्यूट एंगल बन रहा है देखिए, एंड दिस अक्यूट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और कैपिटल डी। दिस अक्यूट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और कैपिटल डी, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, यहां से अगर हम देखें तो यहां से आप देखिए व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन द एक्यूट एंगल बिटवीन, देखिए द एक्यूट एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ्स, द एक्यूट एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ्स ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्यूट एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड emergent ray is called angle of deviation and it is represented by delta or capital D, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये angle I1 है तो ये complete angle भी कितना होगा, I1 होगा, इसमें से ये R1 है तो ये कितना बच गया हमारे पास में I1 minus R1, ऐसे ये I2 है तो ये complete angle I2 हो गया, तो ये वाला angle कितना बच जाएगा हमारे पास में I2 minus R2, ठीक है। अब यहां से आप देखिए इनको नॉमिनेट करेंगे हम, ये जैसे P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है ना। तो देखिए A Q O R जो है ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल A Q O R, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और इसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, है ना। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो फिर इन दोनों का सम कितना बचेगा, भाई टोटल सम होता है 360, दो एंगल्स का सम 180 हो गया तो इन दो का सम कितना बचेगा 360। सो एंगल ए प्लस ओ इक्वल आ गया हमारे पास में 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, भाई टोटल का सम होता है 360 डिग्री, उसमें से 90 और 90 180 तो इन दो का ही सम हो गया, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 होगा। सो अब यहां से अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है क्यू ओ आर, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू ओ आर आर वन आर टू और इस ओ का सम कितना होगा 180, आर वन प्लस आर टू प्लस ओ इक्वल है 180 डिग्री, इज द इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप, दस यहां से अगर हम देखें देखिए आर वन प्लस आर टू प्लस ओ इक्वल 180 है, और 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में लिखने मिली हमें ए प्लस ओ, ओ से वो कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई आर वन प्लस आर टू इक्वल ए इज द इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और हमें पता है बिकॉज यू नो दैट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अंदर किसी ट्राइंगल के दो अंदर वाले एंगल्स का जो सम होता है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये ट्राइंगल बन रहा है क्यू ओ डैश आर, तो यहां से अगर हम देखें फ्रॉम में ट्राइंगल क्यू ओ डैश आर, इसमें अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इस एक्सटीरियर एंगल डेल्टा के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो गया आई वन माइनस आर वन और ये हो गया आई टू माइनस आर टू इक्वल आ जाएगा डेल्टा के। सो यहाँ से आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू और इक्वल आ जाएगा डेल्टा के, तो यहाँ से I1 प्लस I2 इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल डेल्टा इज द इक्वेशन। अच्छा ये हो गया, अब यहां से आप देखिए आगे देखिए I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 and the value of R1 R1 plus R2 from equation third is capital A. So capital A equals to
डेल्टा, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। और ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन है फोर, ठीक है। अब हमें मिनिमम डेविएशन देखना है, ठीक है, और वेयर फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम एंगल कब बनेगा, जब जैसे लाइट इंसिडेंट हुई है वैसे जो वैसे अगर बाहर निकल जाती है तो ये जो एंगल है ये बनेगा ही नहीं, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, मीन्स जीरो हो जाएगा, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है वैसे ही बाहर निकल जाए, मीन्स आई वन और ये आई टू दोनों इक्वल हो जाए और वैसे की वैसे बाहर निकल जाएगी, तो उस कंडीशन में तो आर वन आर टू दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आप बोल सकते हो कि आई वन इक्वल होगा आई टू के, इक्वल मान लिया आई के, एंड आर वन इक्वल होगा आर टू के, इक्वल हो जाएगा आर के, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें देखो हमें प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, और रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें एंगल ऑफ ये जो स्नेल्स लॉ है अप्लाई करना पड़ेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन। अब स्नेल्स लॉ को आप अगर स्टडी करते हो तो साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए आपको, तो पहले एंगल आई और आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम साइन आई और साइन आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन थर्ड जो है उससे अगर हम देखें, देखिए आर वन और आर टू दोनों इक्वल हो गए, इसके इक्वल आर के, तो इसकी जगह आर और इसकी जगह आर, तो आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा ए के, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई टू, ठीक है। एंड हम इक्वेशन फोर्थ आई वन की जगह आई आ गया प्लस आई माइनस ए इक्वल है डेल्टा की जगह, डेल्टा का मिनिमम आ गया है ना, डेल्टा की जगह मिनिमम डेल्टा यानी डेल्टा एम आ गया, तो यहाँ से टू आई हो जाएगा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ से आई की वैल्यू देखिए हमारे पास में कितनी आ गई, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग, सो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ दैट्स व्हाई now from Snell's law, तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन टू अपॉन एन वन, इफ आई एंड स्मॉल आर आर वेरी स्मॉल, so sin I is almost equals to I and sin R is almost equals to R, so यहाँ से sin I की जगह हमने I put कर दिया upon में R equal n2 upon n1, so यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई delta m plus a upon 2 upon R की वैल्यू हो गई a upon 2 equal एन टू अपॉन एन वन, तो यहाँ से अपॉन वाले टू से टू कैंसिल हो गया, देन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए इक्वल एन टू अपॉन एन वन, तो यहाँ से इसको आप एन टू वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन टू वन के लिए ये फॉर्मूला हो सकता है एक, तो और देखिए आगे ए को आप उधर ले जाइए तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल एन टू वन इंटू ए, देन डेल्टा एम इक्वल एन टू वन इंटू ए माइनस ए, देन डेल्टा एम इक्वल ए हमने कॉमन ले लिया, देन एन टू वन माइनस वन इंटू ए, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन की एक्सप्रेशन है ये, एंड इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। आगे देखें इसी को आप आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपने बोल दिया इफ
फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर ले लिया हमने, और जो सेकंड मीडियम है वो हमने ले लिया ग्लास। तो फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो इसके बारे में अगर हम देखें, फर्स्ट मीडियम को अगर आप एयर ले रहे हो तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज टेकन एज n, सो n 2 1 इक्वल हो जाएगा n 2 अपॉन n 1 इक्वल हो जाएगा n अपॉन 1 इक्वल n, ठीक है ना। तो n 2 1 की जगह n आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले में n 2 1 की जगह आप n पुट कीजिए, दस दोनों फॉर्मूले जो है मॉडिफाई हो गए, डेल्टा m प्लस a अपॉन a इक्वल n, एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड डेल्टा m इक्वल आ जाएगा हमारे पास में n माइनस 1 इंटू a, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म से होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को आपको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो अब मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना हो, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कि भाई कौन सी कंडीशन में कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है, तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है। और स्टार्टिंग में देखिए जो डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये स्टार्टिंग में 2 या 3 वैल्यूज तक तो डिक्रीज होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू को इंक्रीज करने पे डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते हुए एक पर्टिकुलर एंगल पे है जहां पे आई वन इक्वल हो जाए आई टू के, और इक्वल ले लो आप आई के, वहां पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर अब आप एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो डेल्टा है इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपने ग्राफ में ये बोला कि स्टार्टिंग में जो डेल्टा है आई की वैल्यू इंक्रीज करने पे स्टार्टिंग में डेल्टा डिक्रीज होता है, फिर आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डेल्टा मिनिमम हो गया, और अब अगर आप आई को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आपको ये जो ग्राफ मिलता है ये इंग्लिश के यू लेटर्स की शेप में मिलता है, देखो यू लेटर की शेप में मिल रहा है, यू के जैसा मिल रहा है कि ग्राफ, ठीक है। सो ये था हमारे लिए रिफ्रेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।